तो दोस्तों एक बार फिर तुहाडा सारिआं दा साडी पंजाबी चैनल हिंद पंजाब ते स्वागत। अज एक दुखदाई खबर तुहाडे नाल सांझी करन लग्या। चल वसिया एक होर मित्र प्यारा। पंजाब दी सियासत दी इमानदारी दी हामी भरन वाला मेरा ख्याल दो चार जिहड़े बंदे ने उहनां चों इक सिर कढ परसनैलिटी सी वीर दविंदर सिंह सराओ। 1970 की साड़ी दोस्ती आखिर तक कायम रही। कदे कोई लड़ाई झगड़ा कोई फर्क नहीं पिया। मिलते भावें घट रहे लेकिन सांझा बनिया रही। 1970 वीर दविंदर खालसा कॉलेज पढ़ता सी ते मैं ईवनिंग कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। मैं अपनिया पहलिया कई वीडियोज़ दस चुका कि उस समय के श्रोमणी अकाली दल के प्रधान संत बाबा फतेह सिंह जी चंडीगढ़ विखे साढ़े ग्रह रुकते होंगे थे हमेशा। तो जिन्हें वड्डे अकाली लीडर तो दूसरे लीडर वो सारे साढ़े घर आते संतां नूं मिलन। तो उन्हां दिनां च वीर दविंदर सिंह की एंट्री हुंदी आ वड्डे लैवल ते। असीं जाणदे उस तों पहलां वी सी स्टूडेंट लाइफ 1869 तो लैके जदों असी डिफरेंट कॉलेज पंजाब दे अज इकट्ठे होंदे सी कदे डेक्लेमेशन कंटेस्ट ते ते कदे कविता पाठ पोएट्रिक रेसिटेशन दे मुकाबलिया विच। हर महीने दो तीन वारी असी कदे पठानकोट कदे जलंधर कदे जगराओं कदे मोगा कदे मुक्तसर कदे मौड़ कदे किते मिलना अड्ड अड्ड कॉलेजां। कदे वीर दविंदर सिंह फस्ट कदे मैं सैकंड कदे मैं फस्ट कदे वो सैकंड। तो तीजा साडा एक प्रतिद्वंदी हुंदा सी मोहन चौधरी कदे वो साडी तिन्ना दी बड़ी टक्कर हुंदी सी इन्हां मुकाबलियां च। इस तरह बाद च साडा जूनियर जसवीर सिंह वीर आ रलिया ते असी एक ग्रुप साडा 7-8 बंदिया दा पंजाब च बन गया जिन्हां दी कह लो उस जमाने सारिआं दी टूटी बोलदी सी। असी सारे चंगे बुलारे हुंदे सी एक दूजे की इज्जत भी करते। जसवीर सिंह वीर भी अज तक दोस्त है। मोहन चौधरी गुजर गया लेकिन बहुत सारे ये साढ़े नाल जी एस नारंग हुंदा सी इक लुधियाने तो वो बाद कस्टम और सेंट्रल एक्साइज का चीफ कमिश्नर रिटायर होया। इस तरह इस स्टेजा पर बोलण वाले बुलारे कॉलेज के टाइम तो असी सारे दोस्त सी एक दूजे के घर आना जाना परिवारिक रिश्ते सी। वीर दविंदर ने जदों चंडीगढ़ आना साढ़े घर जरूर आना। मेरी माता जी नाल बहुत प्यार करते इनू तो इन्हें आके आशीर्वाद लैके जाना। खैर करते करते 1970 फतेहगढ़ साहब के जोड़ मेले से जिते लखा का इकट्ठ से जथेदार टौड़ा उस वे प्रधानगी कर रहे थे उस सैशन की। तो संत फतेह सिंह तो असी चंडीगढ़ों लेट पहुँचे सारे मैं नाल गया संत जी दे ते स्टेज पर असी सारे बैठे। चौड़ा साहब के एक पासे मैं बैठा तो एक पासे वीर दविंदर सिंह। हुण उस स्टेज पर वड्डे वड्डे लीडर बोल रहे हैं। वीर दविंदर नूं भाषण देण दा शौक उठ खड़ा होया। तो इन्हें बार बार चौड़ा साहब का झग्गा खिंचे कि मैनू समा लैके दिओ। तो चौड़ा साहब हुण वड्डे लीडर बोल रहे कि करनैल सिंह रामूवाली आ कितने लक्ष्मण सिंह गिल कितने कोई ये सारे तो बेचारे वीर दविंदर उत्थे उस नवें नवें मुंडे नूं कौन पुछे। तो मैं फिर चौड़ा साहब नूं थोड़ा जिहा सिफारिश की। मैं कहा वीर दविंदर नूं बोलण दो इहदा इलाका नाल ही इहदा पिंड है इत्थों दा। कहिंदे मैं जाणदा इहदे मैं पिता जी नूं भी जाणदा। वीर दविंदर दे फादर सरदार दीदार सिंह पंजाब पुलिस सर्कल इंस्पैक्टर होंदे सी। लास्ट पोस्टिंग उन्हों की मैंने अजे भी याद है रोपड़ होंगे सी CIS स्टाफ सर्कल इंचार्ज सर्कल इंस्पैक्टर पता नहीं की पोस्ट का मतलब हूँ। और अनफॉर्चुनेटली उन्होंने दिनों ही थोड़े समय बाद कुछ नैक्सलाइज मूवमेंट नाल जुड़े लोगों ने उन्होंने बंगिया के नेड़े फिरोजा नवाशहर बंगिया के विचाले मग्गूवाल पिंड के नेड़े एक बस ट्रैवल करद्या गोलियां मार दित्तियां सी। बड़ा ट्रैजिक इंसीडेंट सी। मेरे पिता समान सी बड़ा प्यार करते सी मैनू भी। बड़ी बारी वीर दविंदर के पिंड जाके मैं बसी पठाणा जिहड़े मैं दो तीन दिन जाके रह के आउंदा सी। तो खैर ये साडा परिवारिक रिश्ता सी ते नाल साडी एक अपनी दोस्ती वखरे लैवल ते।
करते करते 1970 च जदों आल इंडिया सिख स्टूडेंट फैडरेशन का रीओरगेनाइजेशन हुई तो वीर दविंदर शायद जो मैं बराबर याद हो शायद जनरल सैक्रेटरी लाया गया थी। उस तो पहला जगमीत बराड़ वगैरह ये लोग काम करते होंगे सी। एक वड्डा अहुदा उस समय साढ़े घर बैठे ही यह फैसला होया, संतान ने उस फैसले से मोर लाती तो वीर दविंदर सिंह एक्टिव पॉलिटिक्स ज्वाइन कर गया। उतों तरक्की करते करते लेकिन ईमानदार बहुत सी, सच्चिया गल्लां मूँह ते कहिंदा सी, सेहत चंगी सी, लंबा चौड़ा कद काठी, आवाज़ बुलंद, आवाज़ भरमी, दाढ़ी मुछा, बहुत वधिया परसनैलिटी लगती। एक बुलेट मोटरसाइकिल रख्या हुंदा सी, इन्हें मैनू याद है 1972 च मैं IAS दे एग्जाम देण जांदा हुंदा सी, पटियाला सेंटर सी, शायद पूरे पंजाब च कोई सेंटर हुंदा सी उन्हां दिनां, तो मैं वीर जितने मेरा एग्जाम होना उसने वीर दविंदर का मोटरसाइकिल उधारा मंग के मैं पेपर देन जाना। वीर दविंदर ने कहना कि भाई जी ये बसा के चक्कर च ना पियो, कदे बस लेट होगी, पेंचर होगी, खराब होगी, तुहाडा एग्जाम मिस हो जाना। तो वीर दविंदर का मोटरसाइकिल लिजा के मैं उस सारे IAS के एग्जाम दिते सी UPSC के, मैं अज तक याद है। ये साडा निघ दोस्ती प्यार उदों का बरकरार है। 1976 च मैं बॉम्बे चला गया, जदों कि मिलन आना तो पता लग गया, एक बार मैं संत याद नहीं गए तो उन्होंने दिनों ही कितने वीर दविंदर पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी ला दिता गया सी, तो विधानसभा के अंदर एक कमरा मिलया हुंदा सी, इहनूं बकायदा पूरा अमला पहला स्टाफ हुंदा सी, बड़ी सेवा करनी उन्हें, समोसे पकौड़े चाह बिस्कुट खाड़े, बड़ा वधिया एक आदर मान करता हूँ। आर्डेंट लीडर से पढ़ता बहुत सी, लिटरेचर से बड़िया किताबें एक्सचेंज कीतियाँ, वो सिख हिस्ट्री, सिख इतिहास से उर्दू लिटरेचर बड़ा पढ़ता सी, ट्रांसलेटर, पाकिस्तानी राइटर्स दिया उन्हें नज़मा पढ़दियाँ, बहुत सारी शायरी उन्हें याद सी, पोएट्री, अंग्रेजी लिटरेचर का बहुत शौक सी। मैं रशियन लिटरेचर से दूसरा लेफ्टिस्ट लिटरेचर ज़्यादा खरीदा सी, मैं अपनिया किताबा पढ़न तो बाद इनू देनिया, इदियां पढ़िया लिखिया मैं पढ़निया, मैं अज भी याद आ सरदार कपूर सिंह की किताब सप्त सिंधु शायद नाम सी उहदा, वो मैं वीर दविंदर तो लैके पढ़ी सी। तो मैं अपना रशियन लिटरेचर दियां किताबां वीर दविंदर नूं देनिया, उन्हें पढ़निया, ये साडा एक कॉमन शौक सी, साडी हॉबी सी पढ़ना। और कुदरती जिस तरह मेरी मैं सारी उम्र अंग्रेजी जुबान की रोटी खाधी है, अंग्रेजी अखबारों से काम किया, बाहर दियाँ अंग्रेजी चैनल से काम किया, बाहर दियाँ चैनलों का हिंदुस्तान बैठ के अंग्रेजी चैनलों का साझ रखी, उस तरह वीर दविंदर सिंह की वकैबलरी जिहड़ी सी अंग्रेजी की वो उन्नी ही पावरफुल सी जिन्नी पंजाबी उहदी वधिया सी। पंजाबी बोलता सी तो ठेठ पंजाबी, अंग्रेजी बोलता सी तो बहुत वधिया लहजे च अंग्रेजी बोलता सी। उर्दू का बहुत शौकीन थी, उर्दू जबान से बहुत कंट्रोल थी, और मैनू भी काफ़ी बख्शिश है उपर वाले की कि बहुत सारा उर्दू लिटरेचर पढ़िया, तलफज जो है उर्दू का वो काफ़ी तक सीखिया। मैं उर्दू लिखनी भी सीखी सी पर बाद च प्रैक्टिस नहीं रही, मैं उर्दू का अखबार भी पढ़न लग गया थी, पर जिवें कहते हैं कहावत है आती है उर्दू जबान आते आते, तो मैं पूरी तरह नहीं सीखा, पर वीर दविंदर ने काफ़ी महारत हासिल कर ली थी। हर इन्हों दिनों की वो पार्लियामेंट्री सैक्रेटरी बन गया, पार्लियामेंट मीन विधानसभा का बड़े नेड़े उन्हें देखा, और जो MLA बनया तो मैं किसी ने दसिया कि बच्चों उन्हों दौरान वो बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड भी उन्होंने मिलया। ईमानदारी हद की, बहुत वधिया इंसान, हसना खुला, उच्चा बोलना, मैं कदे उन्हें चुगली करते नहीं सुनिया। खैर बड़े साल बाद मैं बंबई आया, बंबई तो आया बाई रोड, एक बारी इलेक्शन से मेरा ख्याल 2000 दियाँ हो गया, मैं अपनी ड्राइवर गड्डी नाल लिया कि पंजाब आके तकलीफ हो जाती है, तो भी उन्होंने दिनों इलेक्शन चल रही थी, शायद मैं लगता 2002 की इलेक्शन होएगी, वीर दविंदर खरड़ तो इलेक्शन लड़ रहा था, पता नहीं कि पार्टी वालों, उदो मोबाइल फोन आ गए थे, इस करके मैं लगता कि 2002 की गल हो रही है, 97 चलिए इन्ने मोबाइल फोन ज़्यादा नहीं होंगे सी,
हालांकि मेरे को कैरेक्टर का सैट उदू ही होंगे सी 1001 का नंबर हों बहुत महंगा खरीदया मैं कैब। मैं बिलिंदर फोन किया कि मैं पता लग्या कि वो इलेक्शन लड़ रहा है इतों तो अपनी मुलाकात हो सकती है, तो कहना मेरा खरड़ा जो रोड शो है उत्थे आज आप जरूर मिला गए। तो मैं जिते भी सी मैं उस समय से पहुँच गया खरड़। एक छोटी जी भीड़े जे बाजार चो कोई 300-400 बंदा तो पिछे पिछे ये अगे अगे वीर दविंदर सिंह तो बड़े साल बाद देखा से चिट्टी दाड़ी हुई हुई तो बड़िया बड़िया मुछा खड़िया। उस तो पहला मैं वीर दविंदर चिट्टी दाड़ी च नहीं देखा कद, बड़ी जल्दी घट उम्र चुकी दाड़ी चिट्टी हो गई सी पता नहीं की गल। तो मैं देखा तो मैं एक भी देख मैं उदो बाल कटा रहे थे जो आखिरी वाली मिल के गया वीर दविंदर पग बनता सी इस रूप से उन्हें मैंने नहीं सी देखा कदम आमने सामने। चिट्ठी पत्री साड़ी चलती रहती सी अजे मेरे को कई चिट्ठिया सामभ के रखिया मैं वीर दविंदर दियाँ बॉबे वाले घर च पाइया। मैं जाके दसिया बलजीत परमार उन्हें सारिया के सामने जफ्फी पा ली मैं तो अपनी वो यात्रा जरा रोड शो जो भी सी रोकता नेड़े दी एक बड़ी सारी दुकान सी उत्थे बैठ गया मेरे नाल चाह पानी पीता सी। मैं क्या मैं जाना मैं ज़्यादा समा इतने मैं कुछ ज़्यादा लोग जानते नहीं ने मैं तेरा प्रचार भी जरूर करता पर हूँ मैं जाना होर कोई सेवा मेरे लायक हो जरूर दस्यो खैर वो साड़ी बड़े साल बाद मुलाकात हुई हो। उस तो बाद साड़ा मिलना गिलना मैं जो पंजाब आना वीर दविंदर मिल के जाना बाद उन्हें पटियाले कोठी पा ली सी उत्ते जाके मिलता रहा। चंडीगढ़ साड़िया मुलाकात होंदिया रही दिल्ली कई बार मिले सी मैं दिल्ली आए होना तो ये अपने किसी पॉलिटिक्स के चक्कर लेकिन वो ईमानदारी उन्होंने लै बैठी। ये किस्सा मैं छोटा जहा होर तुहानू दसदा वो मैं पहले एक एपीसोड बनाया भी तुसी सारे ने देखा होना। तो वीर दविंदर के पिता जी इंस्पैक्टर दीदार सिंह होना दे उस कतल तो बाद मैं नाभा पुलिस ने फड़ लिया कि तू रैकी की घर गया से तू दस्या होना तू भी नक्सलवाड़ियों जानना। मैं कह मेरा कोई ये लैना देना नहीं है ना मैं किसी को जानता मैं घर जरूर जानता सी मेरे पिता समान से हूँ पुलिस वाले अपने कारण होंगे शक कर तो 9 दिन मेरी वाह वाह टकोर की मैं पता पुलिस वाले ने बड़ी मुश्किल ना 9 दिन बाद डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जो मेरे सीनियर होंगे सी यूनिवर्सिटी उन्होंने दखल नाल मैं बड़ी मुश्किल ना छुट्टिया आप ही छड़ता उन्होंने मेरे को खिलाफ कोई सबूत है इस ना मैं कुछ किया मैं योजे कामों कद प्या नहीं इधरली गल उधर करनी खबर करनिया रैकी मैं पता भी नहीं की होंगी रैकी यार मेरी जान बची तो मैं बड़ा तंग किया मेरे घरद्या पुलिस वाले उठू पहला लभते लो तुम तंग करते रहे तो मैं लाभ ही गया किसी काम से अपने गुरुद्वारे चुके होया अद्धी रात आके मैं पुलिस वाले फड़ के लै गए। उस तो मैं जो छड़िया उतो कुछ महीनों बाद जिहड़े DSP जिहड़े मेरी इंटरोगेशन की अपर अपार सिंह बड़े लंबे कदकार से खूबसूरत इंसान से हालांकि मैं अपर अपार सिंह ने कोई टॉर्चर नहीं किया कुछ नहीं किया मैं भी दिल से कदे रखा नहीं तो मैं वापस चंडीगढ़ आ गया अपना यूनिवर्सिटी फिर पढ़न लग गया। अचानक मैं खबर आती है कि पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के गेट के बाहर उस अपर अपार सिंह का भी कतल कर दिता गया DSP पंजाब पुलिस फिर इल्जाम लग्या कि नक्सलाइट्स ने काम किया। मैनू मेरे दोस्तों ने कहा भी तू भज जा तेरे ते फिर इन्हों आके फड़नगे भी तेरा इन्हें इंटरोगेशन किया तू कोई पंगा लिया होना। तो दोस्तों मैं अद पढ़ाई जी अद विचाले छड़ के मैं कलकत्ते भज गया और कई महीने मैं कलकत्ते रहा। अल्टीमेटली वो जिहड़े बंदे ने काम किया फड़े गए। मैं बथेरा पुलिस वाले नूं कहा कि भरावो ये वीर दविंदर सिंह मेरे भरावां वर्गा उन्होंने बुला के पूछ लो उसकी फैमिली नूं पूछ लो कि मैं इहोजा काम कर सकदा कि नहीं। कहिंदे नहीं तू तो उन्होंने यकीन ही बड़ा जित के रखिया सी हुण पुलिस वाले जो उन्होंने दिल चाज उही करदे आ कह रहे। अल्टीमेटली मैं उस काम चो निकलिया 8-9 महीनों बाद मैं वापस कलकत्ते तो आया। बड़ी लंबी चौड़ी कहानी आ किवें बीबी गुरदेव कौर उन्होंने जिहड़े मोगे तो MLA से उन्होंने बेटे मेरे दोस्त से दोनों उन्होंने ज्ञानी जैल सिंह से जोर जार पा के होम मिनिस्टर होंगे सी रसीप सिंह गिल DIG बाबा होंगे सी पंजाब पुलिस CID के इंचार्ज उन्होंने कह कहा कि मेरे वो जड़े नकली जे केस किए हुए से वो खत्म कराए
तो भरावो मैं अपने एमए के एग्जाम दिते पास किए जान छुट्टी, लेकिन फिर कदे ना कदे पुलिस वाले तंग करते ही रहते थे। अल्टीमेटली आई डिसाइडेड के ये तो चंगा कि जहाँ तक मैं जो मैनू बनाना चाहते हैं मैं उ बन जा, मैं भी बंदूकों बदाका चखना तो लड़ा। लेकिन फिर सोचा ये कोई फायदा नहीं है, जे मैं पढ़ लिख के भी यही काम करने से फिर पढ़ाई कर फायदा की थी। मैं अपना बोरिया बिस्तरा चक्या, बीवी बच्चे नाल ले ते बंबई चलिया गया 1976 च। यह मेरा बंबई जाने का कारण सी, शायद वो जी चेंज सी वो मेरे कम आई। 3-4 महीने सिर्फ मैं स्ट्रगल करनी पी बॉम्बे तो हौली हौली पैर लग गए, और थोड़े सारे यारों दोस्तों की मेहरबानी करके इन्ने साल रोज शहर बह के अपनी थां बनाई। अजे भी उस तरह वो जगह महफूज है, लेकिन साडा राबता मेरा वीर दविंदर का इन तलखियों तो बाद भी कदे साडे रिश्ते कदे कोई खटास नहीं आई। मेरे बंबई जाने तो बाद भी जो वीर दविंदर ने चंडीगढ़ आना तो मेरे बीजी नूं माता जी नूं मिल के घरदिआं नूं मिल के फिर जाना। बॉम्बे एक बार आया किसी कांग्रेस का कोई इलाज से पता नहीं की सी, उहदे सिलसिले घर तां नहीं आ सकिआ। मैं उहनूं जा के मिल के आया, जिहड़े ठहरन दा जुत्तिआं दा इंतजाम किया सी। मैं दिवाली के दिन से उदो थोड़े दिनों बाद मैं थोड़े पैसे अपने मदर दे लई भेजे, हालांकि कोई लोड़ नहीं सी उन्होंने। मैं कह यार उन्होंने बीजी नूं कही कि अपनी मर्जी दा इक दिवाली ते सूट खरीद लैण। हर दिवाली ते मैं बीजी नूं सूट लैके दिंदा हुंदा सी, मैं ते मेरी पत्नी है साडा इक असूल सी। उस दिवाली ते मैं आ नहीं सकिया, वीर दविंदर आए सो उहदे हत्थ मैं भेजता। हुण देखो वीर दविंदर की दोस्ती, मेरी मदर नाल उहदा प्यार। उन्हें चंडीगढ़ आ के एक होर सूट खरीदया ते बीजी नूं दो सूट दे के आया। मेरियां अखां भर आईयां याद करके, एक अपने वालों दिता ते एक जो मैं दिता सी वो दे के आया। ये वीर दविंदर की इंसानियत सी। अजो आदमी इस दुनिया च नहीं है। थोड़े दिन पहला साड़ी गल हुई, मैं हाल चाल पुछया, कहता हूँ ठीक है, मैं स्टेंट पवाया जां कोई हार्ट का ऑपरेशन करवाया, पर उपर वाले की कृपा नाल मैं हूँ ठीक हाँ। तो ये गल पिछलियां इलैक्शनों तो पहला दी। मैं क्यों कोई इलैक्शन लड़न का प्रोग्राम हैगा, कहिंदा सेहत इजाजत नहीं दे रही, शायद मैं ऐतकी इलैक्शन ना लड़ा। उस तो बाद पता लग गया कि उहदा हार्ट का ऑपरेशन होया। हुण मैं 2 महीने पहला गल हुई तो साड़ी एवें गल चल पी, मैं मेरे को दोस्त बैठे से उन्होंने सामने मैं गल कर रहा, उन्होंने गल भी करवाई थी, तो मैं जिवें दोस्तों नाल गल करी दी उस तरह गल कर रहा सी, होर वीर दविंदर की हाल है। तो मेरे दोस्त ने मैनू टोकता कि भाजी वो बहुत सीनियर लीडर ने, तुसी उन्हां दा नाम लई जा रहे हो। मैं क्या वीर दविंदर यार ये दस तेरा डेट ऑफ बर्थ की आ, उन्हें अपनी डेट ऑफ बर्थ दसी। मैं क्या चल मैं दोस्तों का भरम दूर कर दिना कि वीर दविंदर मेरे को 5 महीने छोटा, तो मैं यदा ना लै सकता मेरे छोटे भरावान वर्गा। उदू पहला तो असं कभी उम्र पूछी नहीं सी कौन वड्डा कौन छोटा, ये गल्लां कदे दिमाग च आईया ही नहीं। तो खैर मेरे दोस्तों ने भी गल की, बड़े खुश होए, उन्होंने बड़ा चंगा भी लग्या कि इन्ना सीनियर लीडर और इन्नी हलीमी। एक बार तबीयत ठीक नहीं सी, तुहानू याद होना मैं एक स्टोरी की सी, कोई पंजाब असैम्बली नूं लैके उहदे च कुछ क्लैरिफिकेशन चाहीदी सी, तो मैं वीर दविंदर नूं फोन किया, उहदी रिकॉर्डिंग मैं तुहानू सुनाई सी। उहदे च उहने इह वी कहा सीगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, पर मैं परमार साहब नूं ना नहीं कर सकदा, इस करके मैं इहनां नाल गल की। और रिकॉर्डिंग वाली वीडियो तुसीं जरूर सुनी होनी है वीर दविंदर की। सो ये साडे दोस्तों रिश्ते सी। पंजाब की सियासत ईमानदार आदमी मिसफिट हुंदा, इस करके शायद वीर दविंदर भी मिसफिट रहा। जदों एक पार्टी की लीडरशिप उहदे सच्चे सुच्चे विचारां नाल सहमत नहीं हुंदी सी, वो दूसरा राह लभदा सी। अकाली दल चों खड़ा हो के वो कांग्रेस चला गया, शायद कांग्रेस टिकट ते सरहंद तो जदों जितया सी, वो कांग्रेस टिकट तो जितया सी। उस तो बाद फिर वो फिर अकालिया च आ गया, फिर पंथक टकसाली चला गया, उस बाद पंथक एक होर कोई बनया, फिर उन्होंने चलिया गया। मतलब उन्होंने कदे भी उही जी लीडरशिप नहीं मिली जिहो जी लीडरशिप का वो क्यास करता, उहदे सपनिआं दी, उहदे ईमानदारी दी, उहदे असूलों की पॉलिटिक्स नहीं मिली।
मैंने ये भी याद है, एक बार मैं बीरेंद्र नूं मिल गया पटियाले जो नवी नवी कोठी पाई थी, मैं भी बैठे बैठे बखौल करता, मैं कहा मैं कदे मोती बाग पैलेस पुराना जिहड़ा सी पटियाले दा उह तां देखिया होया सी। ते अजकल जिथे राजा प्रेजेंट राजा साहब रहिंदे आ न्यू मोती महल, वो नहीं कदे देखिया, ते ना कदे राजा अमरिंदर सिंह नूं मिलिया कदे जिंदगी च। ते कहिंदा चलो आपां हुणे ही चलदे आ। ਅਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਅੰਦਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਦਣੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹਾ ਟੱਪ ਟੁੱਪ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿਲ ਜਿਹਾ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਮਹਿਲ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਤੀ ਮਾਲ ਪੈਲਸ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਲਸ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦਾ ਪੈਲਸ ਦੇਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦਾ, ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਪੈਲਸਿਸ ਦੇਖੇ, ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾ ਜੈਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਜੋਧਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਉਦੈਪੁਰ ਸਾਰੇ ਦੇਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮਹਿਲ ਮਹਿਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜੋਧਰ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਰਾਜਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਗੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਲਾਈਫ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਉਮਰੀਆਂ, 4-5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਵੱਲੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨੀ ਅਚਾਨਕ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਰਹਿ ਕੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਇਨਸਾਨ ਅਚਾਨਕ ਕਿਵੇਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਰੀ ਜਵਾਨੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ 73-74 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਬੇਦਾਰ ਸਿੰਘਾਣਾ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਵੀਰ ਜਵਿੰਦਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸੀ, ਪੂਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਉਹਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੰਬੀ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਫਿਰ ਘਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਦੀ ਲਾਈਫ, ਉਹਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਰਤਾਰਾ, ਉਹਦਾ ਮਿਲਣ ਵਰਤਣ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਮਨ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਫਰੈਂਡ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀ, ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੰਗਾਪਣ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਮਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਹੋਣ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀਰ ਜਵਿੰਦਰ ਰਲ ਗਏ ਹੋਣ। ਕੁਛ ਪਿਛਲੇ  6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 10-12 ਕਰੀਬੀ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਬੰਬਈ ਦੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਵਸੇ। ਲੇਟੈਸਟ ਮਗਲ ਢਿੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਯੂਨਿਟ ਸੀ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਬੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ, ਚੰਗਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਇਆ। ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਗਰਾਜ ਸੇਡਾ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਮਿੱਤਰ ਬੰਬਈ ਦੇ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਕਈ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਭਲੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਦੇਖੇ, ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਭ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਤੁਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਕੁੱਚੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਹਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੇਟ ਲਿਸਟ 'ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਕਮਾ ਕੇ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਜੀਆਂਗੇ। ਅਤੇ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਵਾਂਗੂ ਮਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੱਬ ਕੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਵਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਆ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ।